कैब कंपनी ओला, उबर और रैपिडो को एक बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में उबर, ओला, रैपिडो के खिलाफ मिल रही ओवर चार्जिंग की शिकायत के बाद इन्हें तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। सवारियों से अधिक किराया वसूलने की कई शिकायतों के बाद सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से कैब सर्विस देने वाली कंपनी को नोटिस भेज दिया गया है। फिलहाल ओला कैब सेवा चलाने वाली कंपनी ANI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक में ओला, उबर और रैपिडो में यात्रा करने वाले यात्रियों ने राज्य सरकार से शिकायत की थी कि 2 किलोमीटर से कम दूरी होने पर भी कंपनियां न्यूनतम 100 रुपए वसूलती हैं, जबकि राज्य सरकार के नियम के मुताबिक ऑटो चालक पहले 2 किलोमीटर के लिए 30 रुपए और उसके बाद 15 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं।